वीरभद्र सिंह कुर्सी से चिपके हुए हैं और जब तक कांग्रेस का सफाया नहीं हो जाता तब तक वे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनका घर था, मगर उनका और उनके बेटे अनिल शर्मा को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जाता है। उन्होंने कहा कि बाहर जाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रति सोच के कारण भाजपा का दामन थामा है। इस अवसर पर उन्होंने बलवासियों से आह्वान किया कि वे भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी को अपना मत देकर विधानसभा भेजें। उन्होंने कहा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और निश्चित तौर पर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे घर घर जाकर मोदी सरकार की नीतियों और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों का प्रचार करें और लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के प्रति प्रेरित करें। अब आपके आपके मन में एक प्रश्न है कि मैं कांग्रेस में था और भाजपा में कैसे आ गया, तो ये तो सारी वीरभद्र सिंह जी को श्रेय जाता है इसका। मैं भाजपा में आ गया, मैं तो वीरभद्र सिंह को जानता था, मगर मेरा बेटा अनिल शर्मा जो मंत्री भी बने विधायक भी बने, तो उनको वो बड़े शरीफ हैं और उनको ज्यादा मालूम नहीं था। तो मैं ये देख रहा था कि अनिल शर्मा का मोह जब भंग होगा वीरभद्र सिंह से, वो समय आएगा कि हमें बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए हमें सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता था कि